नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। आज हम करेंगे कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय परमाणु एवं अणु। तो बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ दोहराई कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसके उत्तर सोचेंगे और उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न, पदार्थ किसे कहते हैं? तो बच्चों, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ, इसका उत्तर है ऐसी इकाई जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहा जाता है। तो बच्चों, अगला प्रश्न, तत्व किसे कहते हैं? तो उत्तर है वह पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और विघटित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। इसके बाद एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, तत्व की छोटी से छोटी इकाई कौन सी है? सही जवाब बच्चों, तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। और बच्चों, आज हम परमाणु और अणुओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। आज के अध्याय में हम इन विषयों पर जानकारी प्राप्त करेंगे, रासायनिक संयोजन के नियम, परमाणु क्या होता है, तत्वों के प्रतीक, परमाणु द्रव्यमान, अणु क्या है, आयन क्या होता है, रासायनिक सूत्र, आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना। बच्चों, सबसे पहले हम रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में जानेंगे। रासायनिक संयोजन का अर्थ है तत्वों में आपसी संयोजन। जब तत्वों का आपसी संयोजन होता है तो क्या होता है? इसको समझने के लिए हम दो महत्वपूर्ण नियमों को सत्यापित करेंगे। रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। अब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में जानेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थ बनते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया में लिए गए पदार्थ और नए बने पदार्थों के द्रव्यमान ये संबंध को समझाने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। सबसे पहले एक शंक्वाकार फ्लास्क में कॉपर सल्फेट लें और एक परखनली में सोडियम कार्बोनेट का घोल लें। इस परखनली को शंक्वाकार फ्लास्क में इस प्रकार रखें कि परखनली में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट विलयन फ्लास्क में उपस्थित कॉपर सल्फेट के विलयन में न मिले। इसके लिए परखनली को धागे के साथ बांध कर फ्लास्क में लटकाइए। अब पूरे सेटअप को तोल लीजिए। मान लीजिए इसका भार x ग्राम है। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे कॉपर सल्फेट विलयन और सोडियम कार्बोनेट विलयन मिश्रित हो जाए। अब इस फ्लास्क को पुनः तोल कर देखिए। हम देखते हैं इसका भार भी उतना ही है जितना पहले था, यानी कि x ग्राम। इसका मतलब पहले लिए गए पदार्थों का भार और नए बने पदार्थों का भार बराबर है। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अभिक्रिया के पश्चात यहाँ नए पदार्थ बने जो कि सोडियम सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट है। इन अभिक्रियाओं के बारे में आप अगली कक्षा में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि हमने देखा कि लिए गए पदार्थों का भार और नए बने पदार्थों का भार बराबर था, इसलिए इसके आधार पर लवाइजिए नामक एक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, जिसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। बच्चों, आपको पहले नियम के बारे में तो जानकारी हो गई है, अब हम स्थिर अनुपात के नियम के बारे में जानकारी लेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं। वह यौगिक के गुण तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं जबकि जल द्रव है। जल का सूत्र H2O होता है। यहाँ पर दो को हाइड्रोजन यानी कि H के ठीक नीचे लिखा जाता है। इसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु। हाइड्रोजन का अपना परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम है
इसलिए जल में हाइड्रोजन कितनी हुई, 2×1 यानी कि 2 ग्राम। इसी तरह से ऑक्सीजन का अपना द्रव्यमान 16 ग्राम है, तो जल में ऑक्सीजन का एक यूनिट होने के कारण जल में इसका द्रव्यमान कितना हुआ, 16 ग्राम। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 2:16 होता है। यदि हम इस अनुपात से सरल अनुपात प्राप्त करें तो हमें प्राप्त होता है 1:8। यह जो 1:8 है यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि जल का स्रोत क्या है, इसलिए हम बता सकते हैं कि यदि जल को बनाने के लिए हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो तो हमें कितनी ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें ज्ञात है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 3×8 होते हैं 24। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं जिसका सूत्र है NH3, इसे अमोनिया कहा जाता है। यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात 14:3 है। इन उदाहरणों के आधार पर प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया, जिसके अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होते हैं। बच्चों, अभी-अभी आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की। वैज्ञानिकों का अभी भी यह जानना था कि इन नियमों को किस प्रकार तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए जॉन डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन दोनों नियमों की तर्कसंगत व्याख्या दी गई। ये सिद्धांत इस प्रकार है, सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण, सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। बच्चों, अब प्रश्न है कि परमाणु क्या होते हैं। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। हम जो कुछ भी आसपास देखते हैं सभी परमाणुओं द्वारा निर्मित है। हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतह को आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। बच्चों, अब हम परमाणुओं के संकेतों को देखेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक तरफ तत्व लिखे हैं और दूसरी ओर उनके प्रतीक, जैसे कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रतीक लिखा है AL। आर्गन, आर्गन का प्रतीक लिखा है AR। बेरियम, बेरियम का प्रतीक लिखा है BA। बोरॉन, बोरॉन का प्रतीक लिखा है B। इसी प्रकार क्लोरीन के लिए Cl, हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N इत्यादि। आप देखते हैं कि अधिकतर नाम जैसे बोले जा रहे हैं वैसे ही उनके प्रतीक लिखे गए हैं, और ये अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले अक्षर को संयुक्त करके बनते हैं। प्रतीक का पहला अक्षर सदैव बड़ा यानी कि कैपिटल और दूसरा छोटा लिखा जाता है यानी कि स्मॉल। यहाँ पर तत्वों के कुछ प्रतीक ऐसे भी हैं जो कि थोड़े अलग हैं, जैसे कि आयरन के लिए Fe, सोडियम के लिए Na और पोटेशियम के लिए K। ये इनके नामों से थोड़े से भिन्न हैं।
तत्वों के कुछ प्रतीक लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे कि लोहे के प्रतीक को लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में लोहे को फेरम कहा जाता है, इसी कारण इसका प्रतीक Fe है। सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है, इसलिए इसका प्रतीक Na है। इसी प्रकार पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है, इसलिए इसका प्रतीक K है। इस प्रकार से सभी प्रतीकों को उनके तत्वों के अनुसार बनाया गया है। इन सभी प्रतीकों की स्वीकृति इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई है। बच्चों, आप सभी को ये सभी संकेत उनके तत्वों के नाम के सहित याद रखने हैं। बच्चों, अब हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या हम अकेले परमाणु का द्रव्यमान माप सकते हैं? क्या ऐसा करने के लिए हमारे पास कोई भारोत्तोलक है, यानी कि कोई ऐसी वेइंग मशीन? आओ इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चीजें हैं, ए और बी। हमें यह ज्ञात है कि ए का द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, लेकिन हमें बी का द्रव्यमान नहीं पता और हमने यह पता करना है। परंतु प्रश्न यह है कि हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक भारोत्तोलक है। हम ए और बी को भारोत्तोलक के दोनों तरफ रखकर देखते हैं। यह स्पष्ट है कि ए बी से भारी है, इसलिए अगर बी का द्रव्यमान पता करना है तो हमें ए में से कुछ चीज छोटी करनी पड़ेगी या फिर ए को हमें छोटा करना पड़ेगा। इसलिए मान लेते हैं हम ए को 6 हिस्सों में काट लेते हैं। अब हम बी का द्रव्यमान और ए के हिस्से के द्रव्यमान की तुलना करेंगे। अब भी हम देखते हैं कि बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान से कम है। इसका अर्थ है कि हमें अभी ए के और भी छोटे भाग करने की आवश्यकता है। मान लीजिए इसके लिए हम ए के 12 हिस्से कर लेते हैं। इसका अर्थ है ए का हर हिस्सा 1 किलोग्राम के बराबर हो गया, क्योंकि ए का कुल द्रव्यमान 12 किलोग्राम था। अब हम भारोत्तोलक में एक और बी और दूसरी और ए के 12 हिस्सों में से काटे गए एक हिस्से को रखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब भारोत्तोलक संतुलित हो गया है। क्या अब हम बी का द्रव्यमान बता सकते हैं? हाँ, बी का द्रव्यमान दूसरी ओर रखे छोटे हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होगा, जो कि 1 किलोग्राम है। इसलिए बी का द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम ही होगा। क्या अब हम यह कह सकते हैं कि बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा है, यानी कि 1/12 भाग है? बिल्कुल जिस प्रकार से हमने किया, इसी तरह से हम परमाणु द्रव्यमान भी निकालते हैं, क्योंकि हम सीधे तौर पर एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं ढूंढ सकते। इसको कार्बन 12 के द्रव्यमान के साथ तुलना करके निकाला जाता है। अब प्रश्न यह है कि कार्बन 12 है क्या? कार्बन 12 कार्बन के समस्थानिकों में से एक समस्थानिक है और यह लगभग हर चीज में पाया जाता है। कार्बन 12 को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया है और किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के हिसाब से निकाला जाता है। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, ऑक्सीजन का 18 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम है। बच्चों, हमें यह परमाणु द्रव्यमान भी याद रखने पड़ेंगे। इसके पश्चात हम अब जानकारी ले लेते हैं अणु क्या होते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा या आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे अणु कहा जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन गैस O2, इस अणु में दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं और यह अणु दो ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। यह एक द्विपरमाणुक अणु है। अब हम जानेंगे परमाणुकता किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हमने उदाहरण दिया था ऑक्सीजन का, जिसमें कि उसका सूत्र था O2 और हमने यह भी बताया कि यह द्विपरमाणुक है, तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे कि
हाइड्रोजन गैस H2, इसकी परमाणुकता 2 है, यानी कि यह द्विपरमाणुक है। इसी प्रकार कई अणु बहुपरमाणु भी हो सकते हैं, जैसे कि सल्फर, इसका सूत्र S8 है। इसके एक सूत्र में हमें 8 परमाणु दिखाई देते हैं। यौगिकों के अणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। अमोनिया, जिसका सूत्र NH3 है, यहाँ इसमें 2 परमाणु हैं, यहाँ इसमें 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, 14:3 है। इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार हैं, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1। इसके पश्चात हम द्रव्यमान अनुपात को परमाणु द्रव्यमान से भाग देके देखते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान अनुपात इसके लिए 14 है और वहाँ परमाणु द्रव्यमान 14 है, तो 14/14 कितना है? 1। तो नाइट्रोजन के लिए इसका मान आता है 1। हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान अनुपात को परमाणु द्रव्यमान से भाग देंगे तो 3/1, यानी कि 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर सरलतम रूप में देखें तो यह अनुपात 1:3 है। इसी कारण जो आप सूत्र देख पाते हैं उसमें नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमारे पास तत्व जो दिए गए हैं वो है कार्बन और ऑक्सीजन। इनका द्रव्यमान अनुपात अगर कार्बन डाइऑक्साइड में देखा जाए तो 3:8 है, क्योंकि कार्बन का द्रव्यमान 12 है और ऑक्सीजन का अपना द्रव्यमान 16 है। 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 आएगा, 12 और 32 का सरलतम द्रव्यमान अनुपात आ जाएगा 3:8। अब हम यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। द्रव्यमान अनुपात और परमाणु द्रव्यमान अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि द्रव्यमान अनुपात को बटा लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान से। तो यहाँ आएगा 3/12 और इसको काटने के पश्चात आएगा 1/4। वही ऑक्सीजन में 8/16 आएगा और उत्तर आएगा 1/2। यदि 1/4 और 1/2 को यदि सरलतम रूप में लिखा जाए तो यह अनुपात आ जाएगा 1:2। यहाँ कार्बन 1 आया, ऑक्सीजन 2 आए, तो यहाँ पर कार्बन के परमाणु आ गए 1 और ऑक्सीजन के परमाणु आ गए 2, तो हमारा सूत्र बना CO2, यानी कि CO2। इसके पश्चात हम जान लेते हैं आयन के बारे में। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। इन पर ऋणावेश अथवा धनावेश होता है। ऋणावेशित आयन को ऋणायन और धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पर Na जो हमें प्राप्त हुआ है वह Na+, यानी कि Na के ऊपर जमा का निशान, जो कि एक धनायन है, और Cl जो हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है Cl के ऊपर एक घटा का निशान, यानी कि ऋणायन। इन दोनों के मेल से ये सोडियम क्लोराइड बनता है। आइए यहाँ पर हम और भी आयनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते। 2 या 2 से अधिक तत्वों के आवेशित कणों के समूह को बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में 3 तत्व मौजूद हैं, सोडियम यानी कि Na, नाइट्रोजन N और ऑक्सीजन O। सोडियम नाइट्रेट सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन से मिलकर बना है। सोडियम आयन को Na+ द्वारा दर्शाया जाता है और नाइट्रेट आयन को NO3 के ऊपर घटा का निशान NO3- द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ NO3- को देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, इसलिए यह बहुपरमाणुक आयन का उदाहरण है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आयन के नाम, संकेत और संयोजकता दी गई है। यदि हम बात करें एक संयोजकता वाले आयनों की, तो इसमें आते हैं सोडियम जिसका संकेत Na+, पोटेशियम जिसका संकेत K+, सिल्वर जिसका संकेत Ag+ है। अगर देखें तो ये सभी की सभी धातुएं हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी अधातुएं ऋणात्मक आयन बनाती हैं।
हाइड्रोजन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन बना सकता है। हाइड्रोजन का धनात्मक आयन हाइड्रोजन आयन कहलाता है, जिसका सूत्र है या संकेत है H+। ऋणात्मक आयनों की बात करें तो एक संयोजकता वाले ऋणात्मक आयन है क्लोराइड Cl-, Cl के ऊपर घटा का निशान, ब्रोमाइड Br के ऊपर घटा का निशान। इसी के साथ साथ बहुपरमाणुक आयन हाइड्रोक्साइड OH के ऊपर घटा का निशान, ये भी संयोजकता एक वाला है। इसी के साथ नाइट्रेट, नाइट्रेट को NO3 के ऊपर घटा का निशान। आइए अब देखते हैं दो संयोजकता वाले आयनों को। यहाँ पर दर्शाए गए हैं मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम आयन Ca2+, जिंक आयन Zn2+, आयरन यानी कि इसे फेरस के नाम से जाना जाता है Fe के ऊपर 2+, कॉपर Cu2+। ऋणात्मक आयनों में दो संयोजकता वाले हैं ऑक्साइड O के ऊपर 2-, सल्फाइड S के ऊपर 2-, सल्फेट SO4 के ऊपर 2-, कार्बोनेट CO3 ऊपर 2-। इसी के साथ तीन संयोजकता वाले आयन भी हैं, एल्यूमिनियम आयन जिसे दर्शाया जाता है Al के ऊपर 3 और प्लस यानी कि Al3+। यहाँ पर आयरन को यानी कि लोहे को दर्शाया गया है Fe3+ के साथ। हमने पहले भी देखा था कि ये इसका दो संयोजकता वाला आयन भी होता है जिसे Fe2+ लिखा जाता है, उसे फेरस कहा जाता है और Fe3+ को फेरिक कहा जाता है। इसी के साथ ऋणात्मक संयोजकता तीन वाले जो आयन है वो है नाइट्राइड जिसे लिखा जाता है N के ऊपर 3 का घटा का निशान, और फॉस्फेट PO4 3 घटा का निशान। बच्चों ये सभी संकेत हमें याद करने हैं। इन संकेतों को याद करने के पश्चात आप किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र आसानी से लिख पाएंगे। किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए उसमें मौजूद तत्वों की दो गुणों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो तत्वों के संकेत जैसे कि ऑक्सीजन के लिए O, हाइड्रोजन के लिए H, और दूसरा तत्वों की संयोजकता अथवा उनके आयनों का ज्ञान। बच्चों अब हम सरल यौगिक के सूत्र के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। यौगिक में एक से ज्यादा तत्व होते हैं। मान लेते हैं किसी यौगिक में दो तत्व हैं जो कि हैं A और B। A की संयोजकता X है और B की संयोजकता Y है। इनकी संयोजकताओं को क्रॉस करके सूत्र बनेगा। हम A की संयोजकता यानी कि X A के नीचे लिखेंगे, B की संयोजकता उसके नीचे यानी कि Y उसके नीचे लिखेंगे। हम क्रॉस करते हैं तो हम पाते हैं कि सूत्र बनता है AYBX। A के नीचे Y लिखेंगे और B के नीचे X लिखेंगे। इसको उदाहरण के सहित समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास उदाहरण है मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम को जैसा कि हमने पहले देखा था Mg2+ के साथ दर्शाया जाता है मैग्नीशियम आयन को, और क्लोराइड आयन को दर्शाया जाता है Cl के ऊपर घटा के निशान से। इन्हें इस प्रकार से लिखेंगे, पहले लिखते हैं Mg, उसके साथ लिखते हैं Cl, और Mg के ठीक नीचे लिखेंगे 2+, और क्लोराइड के ठीक नीचे लिखेंगे 1-। अब आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम के नीचे 2 है और क्लोरीन जो है उसके नीचे 1 लिखा है। तो अब हम क्रॉस कर देंगे इनको। क्रॉस करने पर Mg के साथ 1 आ जाएगा और Cl के साथ 2 आ जाएगा। 1 को हम हटा लेते हैं क्योंकि Mg 1 है तो 1 ही रहेगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लिख पाएंगे MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है MgCl2। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम का आयन है उसका संकेत आप जानते हैं Na+, और कार्बोनेट आयन का संकेत भी आप जानते हैं CO3 के ऊपर 2 घटा। अब हम इस प्रकार से लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं Na के नीचे लिखेंगे 1+, फिर लिख लेते हैं कार्बोनेट को CO3, उसके नीचे लिखेंगे 2 घटा। अब Na के नीचे 1 है और CO3 के नीचे 2 है। अब हम जब क्रॉस करेंगे तो लिखेंगे Na के नीचे 2। यहाँ पर हमारे पास बहुपरमाणुक आयन है तो उसे पहले कोष्टक में लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ब्रैकेट डालेंगे CO3 और बाहर लिख देंगे 1। अब पहले जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 1
लिखने की आवश्यकता नहीं, हम सीधा लिख लेंगे Na2 कोष्ठक हटा देंगे CO3। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बनता है Na2CO3। एक और उदाहरण ले लेते हैं, इसके बाद आप खुद से इसकी बाद में कर करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम के लिए हम लिखते हैं उसका संकेत कैल्शियम आयन के लिए Ca के ऊपर 2 और जमा का निशान Ca2+। सल्फेट के लिए हम लिखते हैं SO4 और ऊपर 2 घटा का निशान। मैं लिख लूँगा Ca के नीचे लिखेंगे 2 प्लस और दूसरा लिखते हैं SO4, उसके नीचे लिखेंगे 2 घटा। अब इसे क्रॉस कर देंगे, पर क्रॉस करने से पहले हम देख लें कि दोनों 2 और 2 ही हैं, तो दोनों के सरलतम अगर हम इसका अनुपात निकालें तो वो बनता है 1:1। यानी कि क्रॉस करने पे Ca के नीचे 1 आ जाएगा और SO4 को कोष्टक में लिखने के बाद 1 आ जाएगा। तो 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं, तो हम सीधा ही लिख सकते हैं CaSO4। तो इस प्रकार से आप कोई भी रासायनिक सूत्र उसके आयनों को देखकर बना सकते हैं। इसके पश्चात आइए बच्चों समझते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। इसको इकाई यूनिट यू के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए जल का सूत्र है H2O। तो अब हम H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करेंगे। इसमें हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है, हम जानते हैं, 1 इकाई यानी कि 1 U, और ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 U। क्योंकि पानी जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान बनेगा 2×1 जमा 1×16, हल करके आएगा 18 U। तो यहाँ पर जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान हुआ 18 यूनिट, 18 इकाई, जिसे लिखा जाता है 18 U द्वारा। आइए अब बात कर लेते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान की। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। ऐसा हम आणविक द्रव्यमान के बारे में भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र है CaCl2। इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान पता करने के लिए हम जानते हैं कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40 U है, और क्लोरीन का है 35.5 U। अब इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा, कैल्शियम का 1 परमाणु है तो 1×40 U जमा क्लोरीन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं तो 2×35.5। 1×40 होता है 40 U और 2×35.5 आए 71 U, तो दोनों को जोड़ करके आता है 111 U। इस प्रकार कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान आता है 111 इकाई यानी कि यूनिट। आइए अब बात करते हैं मोल संकल्पना की। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या, चाहे वह परमाणु हो, आयन हो, अणु हो या सूत्र इकाई कुछ भी हो, उसे दर्शाया जाता है कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर। तो मोल के विषय में हम कह सकते हैं कि यह कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। एक मोल में 6.022×10^23 संख्या होती है जो कि अवोगाद्रो स्थिरांक कहलाती है। यानी कि कार्बन परमाणुओं का एक मोल जो है वह बराबर है 12 ग्राम कार्बन के और 6.022×10^23 कार्बन के परमाणु। यदि हम हाइड्रोजन परमाणुओं का एक मोल लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु और लिखेंगे 6.022×10^23 हाइड्रोजन के परमाणु। इसलिए इसी प्रकार किसी भी कण, चाहे परमाणु है, अणु है अथवा आयन है, का एक मोल सदैव 6.022×10^23 कणों की संख्या के बराबर होगा जो कि अवोगाद्रो संख्या है। आइए अब हम मोलों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है उसके विषय में बात करते हैं। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र हैं जिन्हें हम याद रखेंगे। सबसे पहले
यदि द्रव्यमान से मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र है मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। इसी प्रकार कणों की संख्या के लिए सूत्र है मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटा अवोगाड्रो संख्या। इन सूत्रों को याद रखने के लिए हम इन सूत्रों को सरल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो मोलों की संख्या है वह है बराबर एन के, छोटा एन, इंग्लिश का स्मॉल लेटर एन। जो मोलर द्रव्यमान है उसे हम लिखेंगे कैपिटल एम के द्वारा, और जो द्रव्यमान है चाहे दिया गया है चाहे ज्ञात करना है उसे लिखेंगे स्मॉल एम के द्वारा। कणों की संख्या चाहे परमाणु की है, अणुओं की है, किसी की भी संख्या है, हम कणों की संख्या को दर्शाएंगे बड़े एन के द्वारा यानी कि कैपिटल एन। और अवोगाड्रो संख्या को दर्शाएंगे, अवोगाड्रो की संख्या को लिखने के लिए हम लिखेंगे एन के नीचे जीरो, एन नॉट कहा जाता है इसे। इस प्रकार से यदि मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमारे पास दो सूत्र आ जाते हैं। मोलों की संख्या द्रव्यमान से निकालने के लिए सूत्र आएगा एन बराबर छोटा एम बटा बड़ा एम, और कणों की संख्या से मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सूत्र आएगा एन बराबर एन जो कि बड़ा है बटा एन नॉट बड़ा एन उसके नीचे जीरो। तो बच्चों इन सूत्रों को याद रखना है, आइए इन सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 222 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में कितने मोल होंगे? तो बच्चों यहाँ पर हमें जो सूत्र है वह दिया गया है n बराबर छोटा m बटा बड़ा m, जहाँ की छोटा m जो है दिया गया द्रव्यमान और बड़ा m बराबर है मोलर द्रव्यमान। कैल्शियम क्लोराइड का सबसे पहले मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कैल्शियम का द्रव्यमान है 40 और क्लोरीन का द्रव्यमान है 35.5। तो 40 जमा 35.5 गुणा 2 यानी कि आया 40 जमा 71 बराबर आ जाता है 111 ग्राम। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान आया है मोलर द्रव्यमान वह है 111 ग्राम। दिया हुआ द्रव्यमान छोटा m जो कि है 222 ग्राम। तो सूत्र है n बराबर छोटा m बटा बड़ा m, छोटे m की जगह भर देते हैं 222 और बड़े m की जगह भर देते हैं 111। 222 से 111 कट जाएगा, बराबर में आएगा 2। यहाँ मोलों की संख्या जो आई है वह है 2। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है कणों की संख्या से मोलों की संख्या ज्ञात करना। प्रश्न इस प्रकार है 12.044 गुणा 10 की घात 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या में कितने मोल हैं? इसके लिए सूत्र इस प्रकार है n बराबर बड़ा n बटा n नॉट, जहां बड़ा n दर्शा रहा है कणों की संख्या और n नॉट दर्शा रहा है अवोगाड्रो संख्या। बच्चों ये प्रश्न बहुत सरल है। जो दिए गए कणों की संख्या कितनी है, परमाणुओं की संख्या 12.044 गुणा 10 की घात 23 जो कि n को बड़े n को दर्शा रहा है, और n नॉट के बारे में तो हम जानते ही हैं अवोगाड्रो संख्या जो कि है 6.022 गुणा 10 की घात 23। यहाँ सूत्र में भरने पर n बराबर आ जाएगा 12.044 गुणा 10 की घात 23 बटा में 6.022 गुणा 10 की घात 23। इनको काटने पर उत्तर प्राप्त होगा 2, यानी कि 12.044 गुणा 10 की घात 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या में जो मोल है वो है 2। आइए अब द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यदि हमें मोलों की संख्या दी गई हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह है छोटा m बराबर n गुणा में m, यानी कि जो द्रव्यमान ज्ञात करना है वह बराबर है मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान। यदि कणों की संख्या दी गई है तो सूत्र है छोटा m बराबर बड़ा n बटा n नॉट गुणा में m, यानी कि जो द्रव्यमान जो आएगा वो बराबर होगा कणों की संख्या बटा अवोगाड्रो संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले 0.5 मोल n परमाणु, इसके लिए सूत्र है छोटा m बराबर बड़ा m यानी कि मोलर द्रव्यमान गुणा में n यानी कि मोलों की संख्या। प्रश्न बहुत सरल है, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का
जो मोलर द्रव्यमान है वह है 14, और यहाँ पर हमें मोलों की संख्या दे रखी है 0.5। तो सूत्र में भरने पर m बराबर बड़ा m गुणा n, यहाँ पर भर देंगे, बड़े m की जगह भर देते हैं 14 और छोटे n की जगह भर देते हैं 0.5। अब इसे हल करें तो उत्तर आएगा 7 ग्राम। अगला प्रश्न हम करते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या यहाँ पर हमें दी गई है। तो कणों की संख्या यदि दी गई हो तो सूत्र होता है छोटा m बराबर n बटा n नॉड गुणा में m, यहाँ जो दोनों n हैं वे बड़े हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, 3.011 × 10³³ n परमाणुओं की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ सूत्र हमें पता है, ये सूत्र है छोटा m बराबर n बटा n नॉड गुणा m, m है मोलर द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात ही है 14 ग्राम, तो हम भर देते हैं, n की जगह भर देंगे 3.011 × 10³³, n नॉड की जगह हम भर देते हैं जो कि अवोगाद्रो संख्या है 0.022 × 10³³, और बड़े m की जगह भर देते हैं 14 मोलर द्रव्यमान। ये 10³³ से 10³³ कट गया और 3.011 और 6.022 कट जाएंगे, आ जाएगा 1/2, और गुणा में है 14, तो 14 से 2 और 14 आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा 7 ग्राम। तो इस प्रकार हमें ज्ञात हो गया कि 3.011 × 10³³ नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या में जो द्रव्यमान है वह है 7 ग्राम। अब इसके पश्चात हम कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के सूत्र हैं वह देखते हैं। यदि मोलों की संख्या दी गई हो तो कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है, कणों की संख्या बराबर है मोलों की संख्या गुणा में अवोगाद्रो संख्या, यानी कि बड़ा एन बराबर छोटा एन गुणा एन नॉट। यदि द्रव्यमान दिया गया हो तो सूत्र है कणों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा में अवोगाद्रो संख्या, यानी कि बड़ा एन जो है वो बराबर आएगा छोटा एम बटा बड़ा एम गुणा एन नॉट। तो इन सूत्रों पर आधारित प्रश्न अब हम हल करेंगे। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है वह है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। सूत्र हमें ज्ञात है n बराबर m बटा m गुणा में n नॉट, यहाँ की ऊपर जो लिखा गया है छोटा m है और जो नीचे लिखा गया है बड़ा m, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा में अवोगाद्रो संख्या n नॉट। यहाँ पर हम भर लेंगे जो जो मान है, छोटे m की जगह यहाँ पर दिया गया है द्रव्यमान 40 ग्राम, वो भर देते हैं। बड़ा m जो है वो मोलर द्रव्यमान है, सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 होता है, वो भर देते हैं, और गुणा में अवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10³, इसको काटेंगे 23 × 46 2 आ गया, और 2 से गुणा करेंगे 6.022 को तो आ जाएगा 12.044 × 10³। तो यहाँ पर हमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो गई। और यदि मोलों की संख्या से कणों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसके लिए सूत्र है बड़ा एन बराबर छोटा एन गुणा में एन नॉट, यानी कि कणों की संख्या बराबर है मोलों की संख्या गुणा में अवोगाद्रो संख्या। तो प्रश्न इस प्रकार है, 0.1 मोल कार्बन परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मोलों की संख्या है 0.1, अवोगाद्रो संख्या आप जानते ही हैं, तो सूत्र में भरेंगे n बराबर n गुणा में n नॉट, तो n की जगह भर देते हैं छोटे n की जगह 0.1 और n नॉट की जगह भर देते हैं 6.022 × 10³। जब इसे हल करेंगे तो उत्तर आएगा 6.022 × 10³। तो इस प्रकार से इस पर आधारित प्रश्न हम हल कर सकते हैं। बच्चों आप सभी को ये सूत्र याद रखने होंगे, फिर आप कोई भी प्रश्न हल कर पाएंगे। बच्चों आइए अब हमने अभी तक जो पढ़ा है उसकी दोहराई कर लेते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाली सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। आओ बच्चों कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र CO2 है में कार्बन और ऑक्सीजन
O के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? इसका सही जवाब है 3:8, क्योंकि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो कार्बन यहाँ पर एक है, एक परमाणु है, उसके लिए लिख लेते हैं 12। ऑक्सीजन 2 परमाणु है, इसलिए उसके लिए लिख लेते हैं 16 × 2 = 32। तो 12:32 को अगर हम सरलतम रूप में लिखें तो आता है 3:8। अगला प्रश्न, क्लोरीन और मैग्नीशियम का संकेत बताइए। सही जवाब है, क्लोरीन का संकेत है Cl, जिसमें C बड़ा है और L छोटा। मैग्नीशियम का संकेत है Mg, जिसमें M बड़ा है और G छोटा। अगला प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है। यदि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 हो, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम। कैल्शियम की जगह भर देते हैं 40U, कार्बन की जगह 12, 40 × 12 ऑक्सीजन का है 16U, तो 3 × 16। अब हल करने पर आएगा 40 × 12 × 48, कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 100 इकाई। बच्चों बताइए कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? मैं आपको इसमें मदद कर देता हूँ। कैल्शियम जो है उसके लिए जो संकेत है कैल्शियम आयन के लिए वो है Ca2+, और क्लोराइड के लिए जो संकेत है वह है Cl के ऊपर घटा का निशान। तो सोचिए और बताइए सही जवाब CaCl2। बच्चों इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपने पूरे अध्याय को ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के सभी प्रश्नों को भी अपने आप हल कीजिए। घर पर सुरक्षित रहिए, सेहतमंद रहिए। धन्यवाद बच्चों।